वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। वन वर्ड सब्शन सेगमेंट में पांच वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे आज। आज का पहला वर्ड होगा सेनाटोरियम। दो बार में पढ़ेंगे, पहली बार में सेना, फिर टोरियम होगा सेनाटोरियम। हिंदी लिख दिया है ऊपर। यह टीटो टलर पढ़ेंगे, टीटो टलर। थर्मोमीटर बट पढ़ेंगे थर्मामीटर। ट्रांसपेरेंट पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट। इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेनिमस पढ़ेंगे यूनेनिमस। और जो पहला वर्ड है सेनाटोरियम, हिंदी होती है सेहतगाह। सेहतगाह मतलब वैसा जगह जहां पे सेहत लाभ करने वाले लोगों को रखा जाता है। सेहत लाभ करने वाले लोग कौन होते हैं? जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे लेकिन अब बीमारी दूर हो गई है लेकिन कमजोर है, स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक से हो जाएगा तो उनको छोड़ा जाएगा, उसको बोलते हैं सेहत लाभ करने वाले व्यक्ति। तो उनको रखते हैं सेहत गाह में, सेनाटोरियम में। इंग्लिश देखते हैं, अ प्लेस वेयर इनवैलिड्स एंड कॉन्वालेसेंट्स, कॉन्वालेसेंट्स एली एस सी को से तो लेसेंट्स, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वालेसेंट्स मतलब इनवैलिड्स का जगह और कॉन्वालेसेंट्स का जगह क्या होता है? सेनेटोरियम होता है। अब बात है कि इनवैलिड्स की हिंदी क्या होती है और कॉन्वालेसेंट की हिंदी क्या होती है। इनवैलिड की हिंदी होती है दुर्बल, दुर्बल मतलब जिनमें बल नहीं है। थोड़ी एक और हिंदी इसकी लिख लेते हैं। इसकी दूसरी हिंदी है अशक्त, जो कि पर्यायवाची ही है। और कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ करने वाला, आधा स आधा थ और फिर यह स्वास्थ्य। हिंदी भी ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ भ करने वाला, चाहे वाले वाले कर देते हैं क्योंकि एस लगा हुआ है। तो जहां पे दुर्बल और स्वास्थ्य लाभ करने वाले लोगों को रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं सेनाटोरियम। अब दूसरा है टीटो टलर, शराब न पीने वाला। शराब न पीने वाला मतलब जो शराब नहीं पीता है, कभी भी नहीं पिया है न पीता है, उसे बोलते हैं टीटो टलर। वन हु ऑब्स्टेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऑब्स्टेंस फ्रॉम का क्या मतलब होता है? दूर रहता है, दूर रहता है। वह जो दूर रहता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स मतलब अल्कोहलिक पदार्थों से, अल्कोहलिक पेय से जो दूर रहता है उसे बोलते हैं टीटो टलर, शराब न पीने वाला। फिर है थर्मोमीटर पढ़ते हैं, थर्मामीटर, हिंदी भी थर्मामीटर ही है, आप जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, एक यंत्र तापमान को मापने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, आपको मैं एक वर्ड बताया था इससे पहले, ओपैक। ओपैक मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपैक का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट का उल्टा होगा नॉन ट्रांसपेरेंट, और नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब ओपैक है, मतलब दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। हिंदी इसकी पारदर्शी है तो इसकी हिंदी अपारदर्शी हो जाएगी, अपारदर्शी ओपैक की भी होगी, जब हमने देखा था अपारदर्शी, ओपैक की भी हिंदी अपारदर्शी हो जाएगी। इंग्लिश क्या है? अलाउिंग द लाइट टू पास, लाइट को गुजरने देना, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आप जानते हैं फिजिक्स में कि जिस वस्तु से लाइट प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, तो यही तो कह रहा है अलाउिंग द लाइट टू पास। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट है यूनेनिमस। इंपॉर्टेंट मिस स्पेल्ड में पूछता है, वन वर्ड में पूछता है, और बहुत अधिक जगह पे एशे में, कॉम्प्रिहेंशन में, पैराग्राफ में इसका यूज किया जाता है, बोलने में भी इसका प्रयोग करते हैं। यूनेनिमस मतलब एक मत, एक विचार, क्या है? एक मत या एक विचार, यूनेनिमस। शोइंग कंप्लीट एग्रीमेंट,
पूरी तरह से सहमति दिखाना, चाहे ऑल ऑफ वन माइंड, सभी एक ही विचार के, उसको बोलते हैं यूनेनिमस एकमत। बता देता हूं, जैसे कोई प्रस्ताव है, प्रस्ताव यह है कि अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्या एक दिन में 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, अगर आप सबके सब बोलेंगे कि हाँ, तो इसे बोलेंगे यूनेनिमस। लेकिन आप में से एक भी बोल देंगे ना, और उसके बाद हम 10 करने लगेंगे, तो बोलेंगे डिसीजन तो हुआ, लेकिन डिसीजन वाज नॉट अन यूनेनिमस डिसीजन। अन नहीं होगा, अ होगा, अ यूनेनिमस डिसीजन, छोड़ दीजिए आर्टिकल अभी। तो जब डिसीजन में सभी लोग, ग्रुप के सभी लोग हाँ कह देते हैं, कंप्लीट एग्रीमेंट होती है, तो कहते हैं यूनेनिमस, या ऑल ऑफ वन माइंड, सभी एक ही विचार के होते हैं, बोलते हैं यूनेनिमस, नहीं होते तो यूनेनिमस नहीं कहते हैं। तो आज के 5 वर्ष में पहला सेनाटोरियम, सेहतगाह, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वालेसेंट्स, दूसरा टीटोटलर, शराब न पीने वाला, वन हु ऑब्स्टेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तीसरा थर्मामीटर अन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, अलाउंग द लाइट टू पास, उल्टा याद रखेंगे ओपैक और नॉन ट्रांसपेरेंट, और लास्ट वन यूनेनिमस, सर्वसम्मत, शोइंग कंप्लीट एग्रीमेंट, चाहे ऑल ऑफ वन माइंड। थैंक यू वेरी मच।